जंगल बॉय मोगली की कहानी तो सभी ने सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि दो ऐसी और भी लड़कियां थीं जो मोगली की तरह जंगल में जिंदगी बिता रही थीं। बचपन से ही जंगल में रहने की वजह से इनके हाव भाव जानवरों की तरह ही हो गए थे। 1920 में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में दो बहनों को भेड़िए की मांस से छुड़ा गया। 8 साल की कमला और 18 महीने की अमला ना जाने कैसे जंगल में भेड़ियों के एक झुंड में पहुंच गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों की देखरेख ये भेड़िए ही करते थे। दोनों बहनें भेड़िए की तरह हथेलियों और घुटनों से चलती और कच्चा मांस खाती थीं। इतना ही नहीं, उन्हें रात में भेड़िए की तरह ज्यादा और दिन में कम दिखाई देता था। दोनों बहनों को एक अनाथालय में रखा गया। उन्हें इंसानों के तौर तरीके सिखाने की कोशिश की गई, लेकिन उन पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। एक बार जब कमला अमला को कपड़े पहनाए गए तो उन्होंने कपड़े फाड़ दिए। ये दोनों कच्चा मांस ही खाना पसंद करती थीं और रात में अपने भेड़िए परिवार को भेड़िए की आवाज में बुलाया करती थीं। उन पर ना तो गर्मी का असर होता था और न ही ठंड का। दोनों बहनों को सुधारने के लिए कई कोशिश की गई, लेकिन सितंबर 1921 में दोनों बीमार हो गईं। अमला के गुर्दे में इन्फेक्शन हो गया और उसकी मौत हो गई। इसका असर कमला पर पड़ा और वो भी अमला के शोक में रहने लगी। अनाथालय में 5 साल बिताने के बाद कमला में परिवर्तन देखा गया। वो लोगों को पहचानने लगी, थाली में खाना खाने लगी और साफ शब्द बोलती थी। लेकिन कमला न्यूरो डेवलपमेंटल बीमारी का शिकार हो गई और 14 नवंबर 1929 की सुबह उसकी मौत हो गई। आज भी कमला अमला की कहानी दुनिया भर में मशहूर है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।